पर ले गए खोलने। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे, आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो चलो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और रिटायरमेंट से हम पहुंच गए अपने घर पर। तो आपको जो रिटायरमेंट के ब्लॉग है ना, वो आपको इस ब्लॉग के बाद आएंगे, क्योंकि मतलब ब्लॉग थोड़ा आगे पीछे हो गए। और जो भी रिटायरमेंट की ब्लॉगिंग है वो है दूसरे फ़ोन पे। तो जैसे ही पंकज के पापा जी घर पर रहा करेंगे ना, तभी मैं एडिट कर पाऊँगी उस फ़ोन से। और ये मेरा फ़ोन है, तो इससे जो भी वीडियो होगी, मतलब जैसे मैं बनाती हूँ ना, वैसे वैसे मैं एडिट भी करती रहती हूँ साथ साथ में ही। तो वो ब्लॉग आपको थोड़े मतलब लेट लेट दिखाई देंगे, जितने भी बनाए होंगे। तो वो ना एडिट करते वक्त पता लगना उनका भी कितने बनाए, कहाँ तक बनाए, कैसे बनाए। मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की है, क्योंकि वहाँ मेरे पास ना जिम्मेवारी का काम था। तो बस मैंने वही जिम्मेवारी निभाई है, जैसे भी मेरे से निभी और जो भी कमी पेशी रही होगी ना, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। क्योंकि बड़ी कोशिश करते हैं, जिसके पास भी जिम्मेवारी होती है ना, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। किस नहीं है बाड़ी पूरा से भी है हरकत है, जो पाई गुरा ऊपर जाने चार रखने पड़नी है। तो आप भी बताना कि मैं मतलब ये बात सही है कि नहीं सही है। पर मैंने सिर्फ यही मतलब जज किया है कि जिम्मेवारी से बड़ी टेंशन भी नहीं होती। टेंशन तो टेंशन होती है, पर जिम्मेवारी भी बहुत टेंशन होती है। तो ये टोकनी आई है मेरी मायके से, और ये मैं बैक कैमरे से दिखाऊंगी आपको। चलो थोड़ा सी शुरुआत कर लेते हैं ब्लॉग की। और जिम्मेवारी से बड़ी टेंशन ना कोई नहीं होती, ये मैंने कई बार मतलब महसूस किया है। और भगवान का भी शुक्र गुजार करती हूँ, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे पिताजी के लिए भगवान से बड़ी प्रार्थना कर रही है कि जन रखा था कि उनकी तबीयत मतलब ऐसी शोर शराबे में इतनी स्वस्थ रहेगी, और तकरीबन ठीक ही रही, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो रिटायरमेंट जो है वो अच्छे से निपट गई है। तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने भी मेरे पिताजी के लिए बहुत प्रार्थना कर रखी थी भगवान जी से, और हमने भी यही प्रार्थना कर रखी थी कि उनका ना स्वस्थ ठीक रहना चाहिए। तो पिताजी का स्वस्थ बिल्कुल ठीक था, और सब कुछ जो है अच्छे से निपट गया है। और हम शाम को 10 बजे के आसपास फ्री हो गए थे, पर फिर उस रात को ना वहीं पे रहा था। सोचा तो ऐसा था कि हमने रात को ही निकल जाना, पर हम नहीं निकल पाए, और तो फिर वहीं रुक गए। और आज सुबह पहुँचे घर पर। ये ब्लॉग आपको थोड़ा लेट मिलेगा, और 8, 8:30 या 9 बजे के आसपास अभी मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो चलो करते हैं कंटिन्यू ब्लॉग। थोड़ा सा पहले यहाँ पर दिखा लेती हूँ ना, उसके बाद करते हैं फिर कंटिन्यू। और अभी जब शाम का टाइम होने लगता है ना, तब थोड़ी थोड़ी हवा भी लगने लगती है, और ठंडा ठंडा मौसम हो जाता है। तो मतलब टेम्परेचर यहाँ का जो है ना 40 से ऊपर ऊपर रहता है, और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अभी बारिश का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, हल्के फुल्के से बादल आते हैं, वो भी चले जाते हैं। ठीक है, तो ये रही टोकनियाँ। और एक टोकनी जो है हमें मायके से मिली है, और दूसरी टोकनी हमने खुद खरीद कर लाई है। तो जिसमें ये मौली बांध कर रखी है ना, ये आई है मायके से। तो ये पिताजी ने अपने रिटायरमेंट के ऊपर हम बेटियों के लिए दी है। तो हम है चार बहनें, तो चार बहनों की अलग अलग डिमांड थी। दो ने सोने की अंगूठियाँ ली, और दो ने मतलब टोकनियाँ ली। तो जो मेरे साथ हुई थी ना शादी, उसने और मैंने ली टोकनियाँ, और जो हमसे बड़ी है दोनों, उन्होंने ली सोने की अंगूठियाँ। ठीक है, तो ये रही हमारे मायके की तरफ से हमारे लिए गिफ्ट। और पंकज के पापा जी को दी है अंगूठी, हमारे लिए दी है टोकनियाँ, और बड़ी बहनों के लिए भी अंगूठियाँ दी, उन्होंने टोकनी के लिए मना कर दी है। ठीक है, सबकी मतलब अपनी डिमांड रही इस फंक्शन पर, और उन्होंने तो ऐसे बोले थे कि चारों जने ना टोकनियाँ ही लो, पर दो ने मना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए टोकनियाँ, हमें अंगूठी वगैरह कुछ ऐसी दे दो। तो उनके लिए अंगूठी दी है, और मैंने और मेरे से जो छोटी बहन है उसने ले रखी है टोकनी। तो बस अब चलते हैं वोट करने के लिए, और सरकार बना लेते हैं, फिर उसके बाद वीडियो का एंड भी करेंगे, और अपना घर का कार्य भी करते हैं। ठीक है, Thank you।
तो चलो जी, शाम का टाइम हो चुका है और हम चले हैं वोट डालने के लिए, सरकार बनाने के लिए, क्योंकि शाम का टाइम हो गया, मौसम बिल्कुल ठंडा ठंडा हो गया है। तो आज ही पहुँचे हम अपने मायके से, फंक्शन था वहाँ पे ना, तो आज पहुँचे हम 1 से 1.5 बजे के आसपास। तो आज हम 3 जने जा रहे हैं, पंकज जा रहा है हमारे साथ, पंकज के पापा जी और मैं। तो यहाँ से थोड़ा नीचे जाना है ना, तो चलो चलते हैं बाइक के ऊपर। चले गए दोनों जने, मेरे को बोल रहे आ जा तू पैदल, तो चलो बाइक पर चलते हैं फटाफट, क्योंकि अभी ना दूध नहीं निकाला, अभी दूध निकालना पड़ेगा वापस आके, जल्दी जल्दी जीप भी आ जाती है ना। अलाउड वीडियो बनाने है ना, तो वहाँ पे नहीं बनाई हमने वीडियो, वो मतलब ना वोट डाल के आगे हैं, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी भी ठीक थी, तो बनाया भी नहीं, पूछा भी नहीं है किसी से, है ना। तो अब अपने घर में पहुँच गए और एक फोटो ले लेते हैं थंबनेल के लिए। पंकज भी साइड पर आएंगे, पंकज चला उनको आइए, खींच अगला ऐसे खींचो, ऐसे देखना कितना क्या नाम है ना। मेरा ठीक है, तू सारे जनी है ठीक, पंकु देख मेरा ठीक है, क्या तू हार कैमरा ठीक है भाई, तो खड़े हो वीडियो बना रहा हूँ, नई फसल तैयार होगी ना, तो वे तेरे बनाने पड़ गया, कितने का क्या ना होगा गुण, तो मुझे एक ही लगे रही निकली लंगी, कोई पता नहीं। तो वोट हमने डाल दिया है और अब मैं कर लेती हूँ अपने मतलब घर का काम जो भी है, तो खाना बनाना मेरा काम है, पंकज का आउटसाइड में काम करेगा, और पंकज के पापा जी जो हैं वो बकरे ले गए हैं, और साथ में उन्होंने डाल भी काटना है, जो संतरा हमारे यहाँ रहते हैं ना उनके वहाँ डाल काटना है मशीन से, ठीक है। तो बस यही था आज का ब्लॉग, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय देवभूमि हिमाचल।